जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 3 अभियुक्तों को अवैध असलाह फैक्ट्री को संचालित करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि थाना अजीम नगर क्षेत्र के हरेटा का मजरा में कुछ लोग असलाह फैक्ट्री संचालित कर अवैध तमंचा बना रहे थे। इस दौरान पुलिस को इसकी भनक लग गई और तत्काल मौके पर पहुंचकर 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। वहीं उनके कब्जे से 2 अधबने तमंचे सहित अवैध असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। अजीम नगर पुलिस ने एक अवैध फैक्ट्री बरामद की ऑपरेशन पाताल के तहत। इसमें 2 तमंचे बने हुए हैं, 2 अधबने तमंचे हैं, 8 लाल हैं, 12 बोर की बंदूक की और जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस है। जो गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त उनमें से उनका लीडर था वो सरी पुत्र कल्लन निवासी ग्राम हरेटा का बजरा थाना अजीम नगर जनपद रामपुर और इसकी पहले ही मुकदमे पंजीकृत है। ये कहाँ कहाँ बेचते हैं, पहले इनके द्वारा कहाँ कहाँ बेचे गए हैं, किन व्यक्ति को बेचे गए हैं, इसकी सब जानकारी की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस 3 अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।